एकों सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैव गुर परसाद जपवाद सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच जपवाद सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय कभी बाज बेनती चौपाई बादशाही दसवीं हमरी करो हाथ दर अच्छा पूरन हुए चित की इच्छा हमरे दुष्ट सब तुम खाओ आप हाथ दे मोहे बचाओ मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आय सुनरी है पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह के आशा तुम्हें
छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर जाऊं सुकुम ते पाऊं आप हाथ दे मुझे उतरिए मरन काल का त्रास भरिए राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे काल काए ब्रह्मा बतरा काल काए शिव जू अवतरा जमन काल जो भी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो कियो जमन काल सब जगत बनायो देव जात गच्छन उपजायो नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव तन को शिव गुण सुख दियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पहचानत संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी जब कर्क करा कर तारा पर जा कर तब दे अपारा जेते बदन सृष्ट सब धार है आप अपनी भूल उचार है सब ही तेरे आलम जानत भेद के दयारे आलम निरंकार निर्विकार निरंग आद अनिल अनाद असंग आका मूल उचार पतेता जाको देवन पावत पेता ताको कर कान अनुमानत महामूर कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ से मत पे शंकर कहता किछ नहीं जो किछ है सो तेरा जो किछ है सो तेरा मेरा मुझ में किछ नहीं
मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे लागे मेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं। मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा, इके नुरगुण उगे सरगुण, केल करत विच स्वामी मेरा, केल करत विच स्वामी मेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं। मित्र कनेरे कर थकी मेरा दुख काटे कोए, मेरा दुख काटे कोए, मित्र कनेरे कर थकी मेरा दुख काटे कोए, मेरा दुख काटे कोए, मित्र कनेरे कर थकी, सारी मा मारे मा बाबा मा बानी नी पानी सा सा नी सा रे सा सा नी पा मा पा मारे मेरे सा,
मित्र कने रे कर थकी मेरा दुख काट मेरा दुख काट कोई मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए शब्द मिलावा मिलावा शब्द मिलावा शब्द मिलावा होए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक कितनी प्यारियां कितनी ज्ञानवान पंक्तियां हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक बड़े ध्यान से सुनना इन पंक्तियों को महाज्ञान है ये महाज्ञान ये दो पंक्तियां हम भटके पड़े हैं क्या कह रही ये पंक्तियां मित्र घनेरे कर थकी मेरा दुख काटे कोई ना जाने मैंने कितने मित्र बनाकर देख लिए मेरा दुख दूर नहीं हो रहा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक इसका गहरा भाव समझना यहां पर दुख शारीरिक मानसिक दुख की बात नहीं की गई यहां पर दुख की बात की गई आत्मिक दुख प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक कभी किसी को पकड़ते हैं कभी किसी को पकड़ते हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक कोई कहता है इसके पास चल ये बड़ा संत है कोई कहता है उसके पास चल ये बड़ा संत है शरीर को पकड़ते हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक एक बात याद रखना दुख की बात की गई चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो चाहे जिसके पास दुनिया के सारे सुख हो वो भी दुखी है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक और दुख का कारण क्या है वाणी कहती है बिछोड़ा प्रभु से बिछोड़ा ये है दुख चाहे जिसके पास जो राज सिंहासन पर भी बैठा है ना उसका मन भी उदास होता है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक दास ने कई बार ये बात शायद कही है महापुरुषों के वचन है शाम के वक्त शाम का वक्त एक ऐसा आता है जब हर आदमी का हर इंसान का मन उदास होता है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक प्रभु बुलाता है अपने पास पर हम क्या करते हैं उस वक्त को टालने के लिए मित्रों के पास चले जाते हैं मोबाइल निकाल कर बैठ जाते हैं टीवी देखने लग जाते हैं वो वक्त है गुरु को याद करने का प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक वो बुला रहा है खींच रहा है आपको अपनी तरफ इसलिए तो शाम का समय रह रहा साहब जी का समय बनाया है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक ये बात आज के प्रकरण से रिलेटेड नहीं है पर बड़ी कीमती है इसलिए दास यहां पर बात कर रहा है गुरु खींचता है अपनी तरफ बुलाता है पर हम मूर्ख उसकी आवाज को अनसुना करके दूसरे कामों में लग जाते हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक मित्र घनेरे कर थकी मेरा दुख काटे कोई दुख क्या है बिछोड़ा और आगे क्या कितना ज्ञान है आगे मिल प्रीतम दुख कटिया दुख कैसे तेरा दूर होगा जब तक तेरा मिलावा नहीं हो जाता मिलाप नहीं हो जाता गुरु के चरणों से तेरा दुख दूर नहीं होगा अब आगे बताया दुख दूर कैसे होगा मिलाप कैसे होगा मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक कोई आपको गुरु से नहीं जोड़ सकता सिवाय शब्द के प्यार से बोलिए धन गुरु नानक हमेशा दास कहता है मेरे जैसे कितने आएंगे कितने चले जाएंगे जो अटल है वो है शब्द जुड़ो तो शब्द से शरीर से नहीं शरीर से जुड़ोगे पछताओगे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक शब्द से जुड़ो जो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जुगों से सच है
जुगों तक सच रहेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शब्द वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। मित्र कनेरे कर थकी मेरा दुख काटे कोए, मेरा दुख काटे कोए। मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए, शब्द मिलावा होए। सच खटना सच रास है, सच्चे सच्ची सोए, सच्चे सच्ची सोए। सच मिले से ना विछड़े, नानक गुरमुख होए, नानक गुरमुख होए, नानक गुरमुख होए, नानक गुरमुख होए। निज कर बसे अमृत पीवे, निज कर बसे अमृत पीवे, आता सुख लहे महल, सतगुर के पाए चल, सतगुर के पाए चल, सतगुर के पाए चल, सतगुर के पाए चल। मन मेरे, 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 सतगुर के पाए चल, सतगुर के पाए चल, ओ सतगुर के पाए चल, चल चल, सतगुर के पाए चल, ओ निज कर बसे अमृत पीवे, निज कर बसे अमृत पीवे, ता सुख रहे महल, सतगुर के पाए चल, सतगुर के पाए चल, चल चल, सतगुर के पाए चल, सतगुर के पाए चल। Thank you.
से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। मन मेरे सतगुर के पाणे चल, निज कर वसे अमृत पीवे ता सुख लहे महल। मन मेरे सतगुर के पाणे चल, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सवाल पूछा गया कि इंसान के जीवन की गुरु नानक के घर की पहली क्लास कौन सी है और आखिरी क्लास कौन सी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मानो एक स्कूल है, स्कूल की पहली क्लास कौन सी और आखिरी क्लास कौन सी। जवाब दिया, पहली क्लास है विनम्रता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान देना साथ संगत जी, पहली क्लास नर्सरी क्या है? विनम्रता। पहली क्लास यहां पर दास रुकता है दो मिनट के लिए, जरा विचार कीजिए हमने अभी तक एडमिशन भी ली है कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाथ जोड़कर सर को झुकाने को विनम्रता नहीं कहते, ध्यान देना। वाणी कहती है अपराधी दूणा नहीं में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे जैसे कई मिल जाएंगे ऐसे हाथ जोड़कर झुकने वाले, कहेंगे भाई साहब बड़े विनम्र हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई गुरु अंदर झांकता है, गुरु शरीर को नहीं मन को देखता है, और हमें भी अपने मन में झांकना है विनम्रता है या नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अगर अभी तक विनम्रता नहीं है तो हमने तो अभी एडमिशन भी नहीं ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर आज भी होशियारी मारते हैं कि मैं अमृत वेले उठता हूं, बातों बातों में बताता है लोगों को कि मैं 3 बजे उठता हूं, विनम्रता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात को समझना ध्यान से। अगर आज भी हमारे मन में यह है लोगों को पता चले मैं कितना अच्छा हूं, विनम्रता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु घर में आते हैं सोचते हैं यहाँ पर हमें सत्कार मिले, स्पेशल जगह मिले, मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, बड़ा नेता हूँ, बड़ा अमीर हूँ, बड़ी सेवा करता हूँ, विनम्रता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यानी संत सिंह जी मस्कीन जी वचन किया करते थे, अपना ओहदा जहाँ पर चप्पल उतारी है, जोड़े उतारे है, वहां पर उतार के अपने ओहदे को छोड़कर आ, तब यहाँ पर झोली भरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक के घर की पहली क्लास विनम्रता, और आज जिसके बारे हम बात करने जा रहे हैं आखिरी क्लास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आखिरी क्लास बहुत मुश्किल क्लास, पर पता तो होना चाहिए ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं मानता हूँ इस क्लास के हम योग्य नहीं, पर जब बच्चे को स्कूल में डालते हैं एक एम होता है, किसे इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, आखिरी क्लास भी पास करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें पता होना चाहिए हमें पहुंचना कहां पर है, मंजिल क्या है। गुरु नानक के घर की आखिरी क्लास भाणा मानना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आखिरी क्लास माने मेरे सतगुरु के भाणे चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आखिरी क्लास है, ये मंजिल है जिसे हमें प्राप्त करना है, ये पता होना चाहिए। आज इस विषय को बड़ी डिटेल मिलेंगे कि भाणा मानना होता क्या है, भाणा मानने से क्या होता है, भाणा ना मानने से क्या होता है, भाणा नहीं मानेंगे तो क्या दुख झेलने पड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये अवस्था मिले कैसे, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। पता चल जाए कि ये क्लास है इसे पास करना है, और इस क्लास तक पहुंचे कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए साथ साथ में शब्द पढ़ते हैं, साथ साथ में इस विचार को साझा करें कि भाणा मानना कहते किसे है, इसको पहले समझ लें, फिर इसे समझेंगे कि इसे पाया कैसे जाता है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन मेरे 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 सतगुरु के बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाणा मानना बड़ी आसान सी मिसाल देता है दास। तैरने वाले इस बात को समझते होंगे या जो नाव में बैठते हैं वो इस बात को समझेंगे। नदी का भाव इस तरफ का है, कोई उल्टी तरफ तैरने की कोशिश करें क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसे तकलीफ होगी बहुत ज्यादा, जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, दुख ज्यादा सहना पड़ेगा और हो सकता है तैर भी ना पाए, डूब जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो भाव के साथ तैरेगा आराम से मंजिल पर पहुंच जाएगा, किनारे पर पहुंच जाएगा, जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ समय पहले दास एक क्रूज में गया था तो वहां पर जो चला रहे थे वो मुझे समझा रहे थे कि जिस जहाज पे हम बैठे हैं इसे हमने चालू ही नहीं किया हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि समुद्र का भाव इस तरफ है, हमने जाना उस तरफ है, तो मोटर बंद ही रखी है, अपने आप चल रहा है। ये बात को समझो, जोर ही नहीं लगाना पड़ रहा, पेट्रोल ही नहीं खर्च हो रहा, अपने आप चल रहा है वो। क्यों? बहाव के साथ जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब तक हम गुरु के भाने के साथ चलना नहीं जान लेंगे, जिंदगी भर दुख सहते रहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसके जीवन में भाणा मानने की दात आ गई उसके जीवन में से दुख खत्म हो गए, क्योंकि उसने अपने मन को मना लिया कि गुरु जिस भाव में लेकर जा रहा है वही मेरे लिए सही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु जिस तरफ लेके जा रहा है उस तरफ फुल चल रहा है, कोई जोर ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु लेके जा रहा है इस तरफ, इसका मन नहीं मान रहा, ये अरदासें कर रहे हैं, पाचा नहीं, इस तरफ चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। ये सही नहीं है, ये सही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। यानी कि गुरु से ज्यादा ज्ञानवान हम हैं, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, गुरु तुझे नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन। और जब तक हमारी सोच ये है, गुरु से अरदास करके ये कहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर, समझ लेना भाणा मानने से बहुत दूर हैं और दुख सहते रहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। वाणी कह रही है, श्रवण कीजिए। सो सिख सखा बंदप है पाए, जे गुर के पाने विच आवे, अपने पाने जो चले पाए, विछड़ चोटा खाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सो सिख सखा बंदप है पाई, जे गुरु के पाने विच आवे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो गुरु का सिख है, शिष्य है सच्चा गुरु का, जो गुरु के भाने को मान ले कि जो गुरु कर रहा है वही मेरे लिए सही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने भाने जो चले, जो अपने मन की करता है, मन की कौन करता है, मनमुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु के भाने में कौन चलता है, गुरुमुख। जो अपने मन की करे, मनमुख। जो गुरु के कहे पे चले, गुरुमुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो अपने मन की करेगा वो चोटे खाएगा, जो गुरु के कहे पर चलेगा सुख पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, मनमुख और गुरुमुख।
मनमुख अपने मन की करता है, गुरुमुख गुरु के जो कहा मान लिया, बात खत्म। गुरु की बाणी कहती है कबीर, पांग मछली सुरा पान जो जो प्राणी खाए, तीर्थ व्रत नेम किए थे सबे रसातल जाए। गुरुमुख कहता है सत वचन, आज से मांस शराब सब बंद। गुरु कहते हैं नहीं पीनी शराब, नहीं खाना मांस। मनमुख अपने तर्क आगे रखता है, क्यों नहीं खाना? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अन्न में भी तो जान है, पानी में भी तो जान है। गुरु मनमुख के अपने तर्क है, गुरुमुख तर्क नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरुमुख सत वचन करता है, इसलिए तो जब माथा टेकते हैं महापुरुष समझाया करते थे, जब सर झुकाओ तो गुरु के चरणों में सूक्ष्म अरदास करो, हृदय से पाचा मेरी मन मत ले ले, अपने गुरु मत भर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए एक बात तो अच्छे से समझ लीजिए, श्री कृष्ण जी कहते हैं भगवद गीता में एकदम क्लियरली क्लियरली कि आंखें बंद हो सूरज निकल आए तब भी पता दिखाई देता है इंसान को, आंखें बंद भी कर ले तब भी। अगर सूरज उग गया है तो इंसान को पता चल जाता है चाहे आंखें बंद हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धर्म जो है हर एक को पता है सही क्या है गलत क्या है, चाहे वो 100 तर्क देता हो, मन के अंदर हमें पता होता है सही क्या है गलत क्या है। तर्क हम देते ही तभी अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए, पता होता है कि हम गलत हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर मन नहीं मानता ना कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं। अब मन शराब पीने से हटता नहीं, अपने तर्क देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फॉरेन में भी तो लोग शराब पीते हैं, अपने तर्क देता है कि जब समुद्र को रिड़का था दैत्यों ने और देवताओं ने, तो 14 रत्नों में से एक शराब निकली थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शराब पीने से क्यों रोकते हो? तो महापुरुषों ने जवाब दिया, आगे पढ़, आगे की घटना भी तो सुना। 14 रत्न मिले थे, प्रकट हुए थे समुद्र में से, पर किसके हिस्से में आई थी शराब? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देवता को हिस्से में अमृत आया था, दैत्यों के हिस्से में आई थी शराब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात इतनी सी है, अगर भाणा मानने की अवस्था को प्राप्त करना है तो गुरुमुख बनना पड़ेगा। जब तक मनमुख हैं चोटे खाते रहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है साथ संगत जी? आज के जमाने की एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि डॉक्टर के कहने पर पानी तक छोड़ना पड़ जाता है। डॉक्टर कहते ना पानी नहीं पीना, एक लीटर से ज्यादा ये तो मर जाएगा, डर के आदमी पानी छोड़ देता है, पर गुरु के कहने पर शराब नहीं छोड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारी नजरों में डॉक्टर की कीमत गुरु से ज्यादा है, और डॉक्टर ऊपर से पैसे भी लेता है, गुरु मुफ्त में ज्ञान दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। और यही प्रॉब्लम है, ये हमें जो मुफ्त का ज्ञान मिलता है ना, जब इंसान किसी वजह से चोट खाता है जीवन में, ध्यान देना, चोट खाता है बड़ी, उससे जो ज्ञान हासिल करता है वो सारे जीवन उस पर चलता है। मानो किसी को सांप ने डस लिया हो, अब अंधेरे में रस्सी भी पड़ी है तो ध्यान से चलता है कहीं सांप तो नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी को गरम गरम दूध पिला दो उसका मुंह जल जाए, अब उसको छाछ दो तो वो भी फूंक मार के पीता है कहीं गर्म ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चोट खाई, कोई धोखा खा जाए, किसी का पार्टनर पैसे लेके भाग जाए, दूसरी बार वो पार्टनरशिप करता ही नहीं, डर जाता है। बात को समझना, जब जब हमें कुछ पे करना पड़ता है, कुछ कीमत चुकानी पड़ती है किसी चीज की, वो हम ज्ञान हम कभी नहीं भूलते, और जो मुफ्त में मिलता है गुरु देता है हम चलते नहीं, हम जो मनमुख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरुमुख सत वचन करता है, जितने लोग अमृत वेले उठते हैं वो गुरुमुखों की लिस्ट में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बार हाथ खड़े करके बताइए कितने लोग अमृत वेले उठते हैं। वाह, मन खुश हो गया। इतनी संगत आई आज, इतनी संगत, मैं अकोला में प्रोग्राम नहीं दे रहा था कि यहाँ पर संगत नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कब से कह रहे थे अकोला वाले कि प्रोग्राम दो, टाइम दो। मेरा मन होता है वहां वहां जाए जहां पर संगत जुड़े अमृत वेले से, नई संगत, और यहाँ पर तो गुरु ने अपार कृपा कर दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिन लोगों ने हाथ खड़े किए, जिनको गुरु ने अमृत वेला बख्शा है,
वो गुरुमुखों की लिस्ट में है, क्योंकि उन्होंने गुरु की बात मान ली, अमृत वेला उठना शुरू कर दिया। अभी तक जिन्होंने अमृत वेला नहीं संभाला, अभी तक वो मन मुखों की लिस्ट में है, याद रखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम यहाँ पर आए क्यों हैं? मन मुख ना रहे और यहाँ पर आकर गुरुमुख बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे। जिस जिस चीज की हमें कीमत अदा करनी पड़ती है, वो ज्ञान हमें सारा जीवन नहीं भूलता, ये सच है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना यहाँ पर याद आ गई मुझे। एक राजा जो बड़ा संत सेवी था, कोई भी महापुरुष संत आ जाए राज्य में उसकी सेवा करता था, ज्ञान लेने की उसकी बड़ी प्रबल इच्छा रहती थी कि मुझे ज्ञान दो, ज्ञान दो। जितने सारे संत आते थे सबको भोजन कराता, सबको बहुत बेशकीमती उपहार देता, और आखिर में जाते वक्त कहता मुझे ज्ञान दो, ज्ञान दो। सारे संत अपना अपना ज्ञान देके जाते, पर राजा उनमें से किसी पर भी नहीं चलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे जैसा ही सुनते रहना, मानना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दिन एक पता चला कि बहुत कमाई वाले महापुरुष राज्य में आए हैं। राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा कि उसे लेके आओ, पर उन्होंने आने से मना कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि हमें राजा से क्या काम। तो राजा समझ गया कि ये संत कोई कमाई वाले हैं, कि उनके मन में कोई लालच नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा खुद गया, जब राजा खुद गया विनम्रता से, तो महापुरुष आ गए उसके राज्य, उसके राजमहल में। महापुरुषों को भोजन खिलाया, सत्कार किया। जब वो जाने लगे तो राजा कहता है कुछ ज्ञान दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब महापुरुष थे कमाई वाले, अंदर के जानते थे। कहने लगे राजा हम कोई ज्ञान मुफ्त में नहीं देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसकी कीमत लेंगे तब ज्ञान देंगे, क्योंकि बिना कीमत का ज्ञान इंसान उस पर चलता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो ज्ञान मुफ्त में मिल जाए ज्यादातर इंसान उस पर चलता नहीं। राजा था, कहने लगा मांगो, क्या मांगते हो, क्या कीमत चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। तो महापुरुष कहने लगे एक ज्ञान की बात बताने का मैं 50,000 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा हैरान हुआ था राजा पर, यह कीमत तो बहुत बड़ी थी, 50,000 स्वर्ण मुद्राएं एक ज्ञान की बात बताने की। राजा सोच में पड़ गया, इतना धन देना पड़ेगा। पर कहने लगा कह बैठा हूं इतने लोग देख रहे हैं, अब तो देना ही पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन मार कर उसने 50,000 स्वर्ण मुद्राएं मंगाई, महापुरुषों के आगे रखी। कहने लगे दो ज्ञान। तो महापुरुष कहने लगे जब भी क्रोध आए कोई भी कदम उठाने से पहले दो बार सोच लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले तहकीकात करना जिस वजह से क्रोध आया वो वजह सही है, दो बार सोच लेना फिर जो करना है करना। राजा हैरान हुआ, ये बात तो बचपन से सुन रखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कौन सी बड़ी बात है जब क्रोध आए तो दो बार सोच लो, ये तो बचपन से हमने 1,000 बार सुनी। पर राजा कुछ कह नहीं सकता था, बेचारा फंस गया। 50,000 स्वर्ण मुद्रा लेके महाराज चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब राजा सर पकड़ के बैठा है कि क्या 50,000 स्वर्ण मुद्रा चलेगी, ज्ञान का मिला। क्रोध आए तो दो बार सोच लेना कोई कदम उठाने से पहले। राजा का मन बड़ा दुखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं तो महात्मा को समझा था बड़ा ज्ञानी है, लालची नहीं है, ये तो 50,000 स्वर्ण मुद्रा ले गया। अब ये बात उसे खाई जा रही है दिन रात के 50,000 स्वर्ण मुद्रा ले गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुछ समय बीता, राजा चला गया कहीं बाहर काम पे। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी घटना है। कुछ दिनों बाद जब रात को वापस आया, अपने कमरे में गया, क्या देखता है इसकी रानी किसी पराए मर्द के साथ सो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ही पलंग में इसकी रानी भी और एक पराया मर्द, वो साथ में सोए हुए। राजा है, क्रोध आ गया, उसी वक्त तलवार निकाल ली कि दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। पर याद आया कि महापुरुषों ने 50,000 स्वर्ण मुद्राएं ली थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं ये ज्ञान के लिए कि क्रोध आए तो दो बार सोच लेना, दो बार सोच लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब याद क्यों आई ये बात, कीमत अदा की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। को महापुरुष 50,000 स्वर्ण मुद्राएं ले गए, इतनी कीमत, सोच लेता हूँ दो बार क्या फर्क पड़ता है। बड़ी मुश्किल से अपने आप को धैर्य में लाया, तलवार म्यान में डाली और अपने रानी को उठाकर सीधा पूछता है ये कौन है।
रानी खुश हो गई, कहने लगी अच्छा हुआ आप आ गए, ये हमारा पुत्र है जिसे बचपन में हमने गुरुकुल पढ़ने भेजा था, आप बाहर गए थे तो ये पढ़कर वापस आया, जवान हो गया है, रात को बड़ा उदास था आप मिले नहीं तो मैंने अपने साथ सुला लिया। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा हैरान हो गया, सोच में पड़ गया कि अगर मैं तलवार चला देता सारा जीवन मेरा पश्चाताप में गुजरता, अपनी घरवाली अपने बच्चे दोनों को मार देता मैं क्रोध में। पर महापुरुषों ने 50,000 मुद्राएं ली थी, कीमत ली थी उसकी, वो ज्ञान मेरे काम आ गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। स्वामी विवेकानंद एक बात कहा करते थे कि मूर्ख आदमी चोट खाकर सीखता है, ज्ञानवान दूसरे को चोट खाते हुए देखकर सीखता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब हमारी मर्जी हमने मूर्ख बनना है या सियाना। एक आदमी जा रहा है, सामने खड्डा है, उसमें गिर जाता है, पीछे वाला गिरकर समझे कि देखकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखकर समझ जाएगा यहाँ से नहीं जाना, यहाँ पे खड्डा है, पर अगर वो भी गिरे तो मूर्ख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये ज्ञान है ले लो, गुरु हमें ज्ञान दे रहा है, छोटी छोटी बातों का ज्ञान दे रहा है। अगर गुरुमुख बन गए तो ये ज्ञान हासिल कर लेंगे, अगर मनमुख रहे ये ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे। मनमुख का बर्तन उल्टा होता है, कितना भी पानी डालो वो ठहरेगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरुमुख में भावना का बर्तन होता है, श्रद्धा का, जिसमें अमृत नाम बस जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निज कार्य वस्य अमृत पीवे, ता शर्त रख दी सुख लह महल। प्रभु की प्राप्ति उसे ही होगी जो निज कार्य वस्य, चाहे शादी में खड़ा हो चाहे मेले में खड़ा हो, वो निज कर वो अंदर ही अंदर गुरु से जुड़ा रहता है शब्द से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरुमुख बहु माहे अकेला, वाणी की पंक्तियां, गुरुमुख हजारों में खड़ा हो वो अकेला होता है, उसका कहने का भाव है। चाहे वो हजारों की भीड़ में खड़ा है पर उसकी सुरती गुरु के चरणों से जुड़ी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर गुरुमुख बनना है तो अपने मन को समझाओ क्या, मन मेरे गुर के पान चल, सतगुर के पान चल, सतगुर के पान चल, सतगुर के पान अमृत पीवे, निज कर वसे अमृत पीवे, ता सुख लहे महल। सतगुर के पाने चल, सतगुर के पाने चल, चल सतगुर के पाने चल, सतगुर के पाने चल। जोत जा
जोत जागे मेरे पाप भागे आनंद मंगल हो मेरे गुरुजी तुम्हारे भवन में ब्रह्मा जी वेद जपा है तेरे द्वारे गुरुजी ब्रह्मा जी वेद जपा है तेरे द्वारे शंकर ध्यान लगाए गुरुजी के द्वारे शंकर ध्यान लगाए तुम मेरे भवन में जोत जागे जोत जागे मेरे पाप भागे आनंद मंगल हो मेरे गुरुजी तुम मेरे भवन खड़ी तेरे द्वारे ओ मेरे गुरुजी सुख स्मृति पाए जो तेरे द्वारे आए संगत खड़ी तेरे द्वारे ओ मेरे गुरुजी सुख स्मृति पाए जो तेरे द्वारे आए तेरी जय जयकार ओ मेरे गुरुजी तेरी जय जयकार तुम मेरे भवन में जोत जागे जोत जागे मेरी पाप भागे आनंद मंगल हो मेरे गुरुजी तुम मेरे भवन जपते हैं आप जी के मंत्र सारे चरण कमल में तेरे शीश झुकाए जपते हैं आप जी के मंत्र सारे ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय शुक्राना 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 तेरा करती रहूं मैं सुबह शाम तेरा करती रहूं मैं सुबह शाम शुक्राना 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 तेरा ऐसी तो मुझ में कोई बात न थी इतनी तो मेरी औकात
शुक्राना 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 Oh.
जय गुरु जी की।